हाँ जी, कैसे हो आप लोग। मैं सुन लो, आप एक नई वीडियो लेके आए हो और इस वीडियो में हम बात करेंगे। देखो, सीधी बात यह है कि अगर आपको बिजनेस नहीं करना या अगर आपको लाइफ में पैशनेट नहीं बनना, अगर आपको अपने अंदर से कुछ नहीं करना, तो आप वीडियो को छोड़ के साफ साफ यहाँ से निकल सकते हो। आपकी कोई ज़रूरत नहीं इस वीडियो में, और ये वीडियो उन लोगों के लिए जो लोग लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, देन अपनी ज़िंदगी में सक्सेस को हासिल करके सक्सेस को दिखाना चाहते हैं लोगों को, या खुद उससे सेटिस्फाई होना चाहते हैं, उन लोगों के लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो में हम बात करेंगे, ठीक ठाक से बात करेंगे, और बात ये करेंगे कि आपको क्या ज़रूरत है जिससे आप सक्सेसफुल, हाउ टू बिकम सक्सेसफुल बिजनेसमैन इन बेटर योर लाइफ। देखो, सीधी बात ये है ना कि आप क्या कर सकते हो अपनी लाइफ में, सबसे बेहतर आप कैसे बन सकते हो बिजनेसमैन, और आपका बिजनेस स्टार्टअप आइडिया क्या होगा, और आप बिजनेस स्टार्टअप करोगे भी तो आपके साथ क्या क्या इक्विपमेंट्स होने ज़रूरी है, क्या क्या आपके पास चीज़ें होनी ज़रूरी है जिससे आप बिजनेस को स्टार्टअप कर सकते हो। देखो भाई, बिजनेस स्टार्टअप करने के लिए बहुत बड़ा कुछ करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है। ना ही तुम्हें घर चाहिए, ना ही तुम्हें ज़्यादा स्टडी चाहिए, ना ही तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी माइंड चाहिए, ना ही तुम्हारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों की तरह सपोर्ट चाहिए, फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें होती है। देख भाई, ना करने वालों के पास बहुत सारी नाना वाली कहानियाँ होती है, और करके दिखाने वालों के पास पूरी भाई किताबें होती है। सीधी बात यह है, ज़िंदगी में चैलेंजेस सबकी आती है, ज़िंदगी में बातें भी सबकी आती है, ज़िंदगी में ताने सबको मिलते हैं, ज़िंदगी में ना होने वाली जो सैडनेस आती है ना, वो सबके पास आती है। और ज़िंदगी का ग्राफ है ना, आज तक किसी को समझ नहीं आया। किसी का ज़िंदगी का ग्राफ बहुत ज़्यादा ऊपर है, तो किसी की ज़िंदगी का ग्राफ बहुत ज़्यादा नीचे है। सीधी बात यह है कि ग्राफ ऊपर नीचे होता रहता है। तो ये मतलब ये है ना सीधी बात में कि तुम जिंदा हो, मतलब मैं और तुम जिंदा हो इस दुनिया में। कभी देखना, हॉस्पिटल में वेंटिलेटर लगा होता है और वहाँ पे अगर ग्राफ सीधा चलने लगता है ना, फिर डॉक्टर भी हाथ उठा देते हैं। देखो भाई, ऐसी ही बात है। अगर तुम्हारी ज़िंदगी में कभी प्रॉब्लम्स आ रही है, कभी लॉसेस आ रहे हैं, कुछ हो नहीं पा रहा, कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, टाइम निकल जा रहा, सीधी बात में यही है ना कि भाई तुम्हें सच में कुछ करना है। मतलब सबसे पहली बात यही है कि तुम्हें सच में बिजनेस करना है। मतलब अगर तुम्हें करना भी है तो तुम्हें सच में करना है, या बस लोगों के लिए, या फिर अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए, खुद को चौड़ दिखाने के लिए, या लोगों के सामने फेंकम फाकी करने के लिए बस अपने बिजनेस आइडियाज़ बता दिए, अपने गोल्स बता दिए कि मैं ये करूँगा। आप मान लो, मैं भी समझता हूँ, अब मैं बोलूँगा मैं एक आदमी मिलके अपनी हाथों से पूरी की पूरी ट्रेन बनाऊँगा या प्लेन बनाऊँगा। अब तो ये बात को ज़रा तुम नॉर्मली सोचना माइंड से, क्या सच में ऐसा हो सकता है? नेवर दैट, नहीं हो सकता। अगर मैं पूरी ज़िंदगी भी बनाने की कोशिश करूँ तो ना प्लेन बनेगी ना ट्रेन बनेगी। तो भाई, ऐसे अनयूजुअल से गोल्स भी होते हैं, अनयूजुअल से सक्सेस भी होती है। मतलब लोगों के अंदर आजकल इतना ज़्यादा बकवास भर गया है ना, मतलब सच में करना है या नहीं करना है इनको भी नहीं पता। और सीधी बात में इनको एक ही करना है, वो है फेंकम फाकी। और सबसे बड़ी बात, ज़िंदगी में कुछ करना है तो तुम्हें कुछ नहीं चाहिए, ना ही बेहतर प्लान, ना ही बिजनेस के लिए तुम्हारे बहुत अच्छी टीम, ना ही तुम्हारे पास बहुत ज़्यादा पैसा, ना ही तुम्हारे पास अपना घर, ना ही ऑफिस, ना ही कोई वेबसाइट, ना ही कोई एप्लीकेशन, कुछ नहीं चाहिए। बस तुम्हें बिजनेस करना है तो वो एक ही चीज़, तुम्हारे अंदर पैशन होना चाहिए। अगर पैशन नहीं है तो नेवर दैट तुम कुछ भी रख के कुछ भी नहीं कर पाओगे। पूरी दुनिया भी अगर तुम्हें ला के सब कुछ दे दे और पूरी दुनिया के बंदे भी आकर तुम्हें सपोर्ट करें बिजनेस के लिए, फिर भी तुम नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि उस चीज़ के लिए तुम्हारे अंदर जान ही नहीं है। अब फॉर एग्जाम्पल मान लो, दिमाग तुम्हारे पास सोचने के लिए, अब तुम इसको सोचने के बजाय इससे क्या कर रहे हो? तुम इंस्टाग्राम देख रहे हो, रील्स कर रहे हो, इससे क्या कर रहे हो तुम? इससे तुम कर रहे हो व्हाट्सएप का मैसेज आ रहा है, इससे तुम पूरी की पूरी दिमाग की अपनी दुनिया को ही बदल दिया तुमने। सोचने का तो दिमाग को भुला ही दिया तुमने, दिमाग को खुद भूल गए तुम, दिमाग के अंदर तुम्हारे अंदर है भी। और सीधी बात यह है ना भाई, अगर सच में तुम्हें कुछ करना है तो तुम्हें किसी की जरूरत नहीं है। तुम निकल जा, तेरा दुनिया भी इंतजार कर रही है। तू बस अपने पर खोल, उड़ान तेरी इंतजार कर रही है। भाई एक ही सी बात है ना, सक्सेस। बस सक्सेस ये वर्ड ना, ए डेफिनेशन, कब पता चलेगी? जब तू रेस में हिस्सा लेगा। तू बाहर बैठ के ऑडियंस की तरह देखता रहेगा और तू लजे लगे कि तू रेस जीतेगा, ये कभी भी नहीं हो सकता। तू हिस्सा ले, भले ही तू 100 बार हार जाए, 101वीं बार में तू जीत के दिखाएगा। इतना याद रखियो, हारने नाम का लफ्ज तब आएगा जब तू खुद हार जाएगा। और भाई, तू खुद कब हारेगा? जब तू हारना चाहेगा। मैं कहता हूँ कि तू कभी हारना नहीं चाहेगा, और डेफिनेटली तू पूरी ज़िंदगी और पूरी दुनिया में कुछ करके दिखाएगा। टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, और मिलते हैं।